हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत त्रिवेदी और जो टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक से पहले जो बेसिक्स हैं ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, वो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपको सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पता है। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या क्या है, सबसे पहला है हमारा SAS, फिर है ASA, AAS, SSS एंड देन इट इज RHS। द वेरी फर्स्ट थ्योरम दैट स्टेट्स डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इन टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। पहली थ्योरम क्या कहती है कि जो डायगोनल है AC, किसका? ABCD पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल है ये, इसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करके इसको प्रूव करेंगे, यानी गिवन, व्हाट इज गिवन, पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम है एबीसीडी विथ एसी एज इट्स डायगोनल, ये हमको दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि डायगोनल दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। हमको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्या सिंबॉलिक फॉर्म होगा? ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA, ये हमको प्रूव करना है। लेट अस सी व्हाट प्रूफ इज, क्या होगा। अब पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट पेयर जो होते हैं, अपोजिट पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि AB और CD पैरेलल है, इसी तरीके से BC और AD पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, बीच में अगर हम ये ट्रांसवर्सल लेके चले एसी, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ वी गिव देम एज नेम एज वन, लेट इट बी टू, तो वी कैन से दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। लेट अस सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, यस, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। वाई? बिकॉज दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दूसरी चीज, इसको हमने नाम दिया, इसी तरीके से इन एंगल को भी हम नाम दे सकते हैं, लेट इट बी एंगल थ्री, एंगल थ्री और एंगल फोर। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम यहां से देख सकते हैं क्या ये और ये, यानी कि एंगल थ्री और एंगल फोर, दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो आई कैन राइट एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। वाई? सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज इट इज, हमने इसको कर दिया। लेकिन यहां पे कौन सा केस है, BC एंड AD दे आर पैरेलल, BC इज पैरेलल टू AD, ठीक है। अब दो एंगल्स हो गए और बीच में जो कि डायगोनल है वो हमारा दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। सो व्हाट आई राइट, AC इज इक्वल टू AC, आई कैन राइट इट इज कॉमन, कॉमन हो गया। तो कौन से रूल से दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए? ए हमारा वन टू के इक्वल है, यानी कि ए सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसी तरीके से यहां पे इस ट्राइंगल का सी यहां को के ए को करस्पॉन्ड कर रहा है, और दोनों ट्राइंगल्स में ए सी कॉमन है। सो आई मे राइट देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। कौन सा रूल लगा? एंगल साइड देन एंगल, एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है। तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। इसी की कंटिन्यूटी में देयर इज नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.2, वी हैव टू प्रूव व्हाट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम दे आर इक्वल। When we have proved these two triangles, triangle ABC and triangle CDA as congruent triangles, therefore
AB will be equal to CD and BC will be equal to AD. Why? Because these two triangles are congruent, we can prove this by CPCT. Yes. In the same continuity, there is theorem 8.4 that states that opposite angles of the parallelogram are equal. When these two triangles are congruent, implies that means similarly, when these two sides were equal by CPCT, similarly, the opposite angles, angle B will be equal to angle D, and we can write similarly. We don't have to prove again if we draw the diagonal BD. Agar hum BD diagonal banayenge, to angle A aur angle C bhi hum prove kar sakte hain. Yes, similarly, it can be proved. What can be proved? That angle A is equal to angle C. So, what we have proved? We have proved theorem 8.4. We have proved theorem 8.2. We have proved theorem 8.1. Done. The next theorem, if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. Means, if ABCD is a quadrilateral and its opposite sides AB is equal to CD and BC is equal to AD, then we have to prove that ABCD is a parallelogram. Let us see. What we have to write in given, what we have to write in to prove ABCD quadrilateral in which AB equals CD and BC equals AD. We have to prove it is a parallelogram. Total process is to be followed. What is the construction? क्या करेंगे हम construction में? A से लेके C को join करेंगे. ये हमारा construction हो गया. क्या होगा? Join AC. अब AC join कर दिया. अब इन दोनों triangles में हम लेके चलेंगे. क्या ये इसके बराबर है? ABCD के equal है. BC AD के equal है. Yes, दोनों triangles में AC common है, तो दोनों triangle congruent होंगे. Side and side, triple S congruency rules है. So we will write in triangle ABC and triangle CDA, AB equals CD, BC equals AD. ये दोनों चीजें हमको दी हुई हैं. It is given. Then third thing, AC is equal to AC. दोनों ट्रायंगल में AC common side है. AC is equal to AC. We can write common. Therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA. Which rule? SSS congruency. Simple हम SSS congruency लिख सकते हैं. That is sufficient. अब जब ये दोनों triangle हमारे congruent हो गए, तो CPCT से अगर हम ये वाला एक angle लें और ये वाला एक angle लें, तो ये दोनों भी तो CPCT से हमारे equal होंगे. क्यों? Triangle हमारा ABC था और यहां पे ट्रायंगल CDA है. A करस्पॉन्ड कर रहा था C को. क्यों? क्योंकि AB एंड CD, हियर BC एंड AD और DA, तो ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि एंगल 1. देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. लेकिन ये दोनों कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? अगर दो लाइन है पैरेलल हो या ना हो, लेकिन ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले पेयर कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं. दो थ्योरम्स हैं. अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. और दूसरी थ्योरम इसकी कन्वर्स,
कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। यहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस हमारी पैरेलल है। इंप्लाइज दैट एबी इज पैरेलल टू सीडी, एबी सीडी के पैरेलल है। इसी तरीके से अगर ये एंगल इसके बराबर होगा, इसी तरीके से होगा ये एंगल इसके बराबर, क्यों? सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो वी कैन ऑल्सो से बीसी इज पैरेलल टू एडी। सो हियर वी कैन राइट सिमिलरली, यहां पे हम सिमिलरली यूज कर सकते हैं, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट बीसी इज पैरेलल टू एडी। इसका मतलब जब दो अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए, किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? पैरेललोग्राम की। इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव द नेक्स्ट थ्योरम फ्रॉम एनसीईआरटी, थ्योरम नंबर 8.5। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल मतलब कौन से एंगल ए और एंगल सी अगर इक्वल हैं, क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है एबीसीडी और इसमें अपोजिट एंगल ए सी के बराबर है और बी अगर डी के बराबर है तो एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या गिवन है हमको? व्हाट इज गिवन? एंगल ए, सबसे पहले एबीसीडी इज ए, एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल, ये चीज हमको दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? सेम ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या करेंगे? इज देयर एनी कंस्ट्रक्शन? नो, वी डोंट डू एनी कंस्ट्रक्शन। हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, हमने एज्यूम कर लिया इसको एक्स, तो इसको भी एक्स क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और एंगल बी और एंगल डी इसको हम एज्यूम कर लेंगे, दैट क्या एज्यूम कर लिया दोनों को हमने? वाई एज्यूम कर लिया। देयरफॉर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के? चारों एंगल का सम इज ऑलवेज 360। देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। इंप्लाइज दैट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस y इज इक्वल टू 360, इसका मतलब x प्लस y कितना हो गया? 2 उधर गया, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल x एंड y, चाहे ये दोनों हो चाहे ये दोनों हो। अगर इन दोनों एंगल्स को देखें, ये दो लाइन को अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल है, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब को इंटीरियर का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब ए बी और सी डी हमारी पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरीके से एक्स और वाई ये हमारे को इंटीरियर एंगल है, अगर ये दोनों लाइन हैं हमारी लाइंस और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है दोनों लाइनों को, तो एक्स प्लस वाई का सम कितना है? 180, और ये भी को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। तो व्हाट डू वी राइट? बट दीज फॉर्म ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि इसका मतलब होगा अपोजिट पेयर हमारा पैरेलल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट
AB will be parallel to CD and BC will be parallel to AD implies that ABCD forms a parallelogram. That is what we have to prove, hence proved. The next theorem, diagonals of a parallelogram bisect each other. ABCD is a parallelogram, parallelogram है. Diagonals कौन से हैं इसके? AC और BD. ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे. हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मीन्स वॉट वी हैव टू प्रूव, AO एंड CO दे आर इक्वल, BO एंड DO दे आर इक्वल. सो लेट अस टेक द प्रूफ. वी विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. अब ये दोनों ट्राइंगल हम क्यों लेंगे? अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तभी हम ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड, ये साइड हम इक्वेट कर पाएंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो वी हैव टू टारगेट टुवर्ड्स मेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. लेट अस सी हाउ टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. इन दोनों ट्राइंगल में AB और CD इक्वल है. क्यों इक्वल है? दोनों की दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं. सो आई कैन राइट AB इज इक्वल टू CD बीइंग अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक. नाउ एंगल वन, वी कैन मेक दिस एज एंगल टू. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. वाई? बिकॉज दीज फॉर्म ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं. अब तीसरा, ये दोनों एंगल कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इनको भी हम नाम दे देते हैं 3 and 4. एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4 बाय दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एक एंगल एक साइड मीन्स 2 angles and 1 side. देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाई विच रूल? AS कॉन्ग्रुएंसी रूल. देन व्हेन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन वी कैन राइट दैट AO एंड CO आर इक्वल बाई CPCT. सिमिलरली BO एंड DO they are equal by CPCT. CPCT क्या है? जब कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो corresponding parts of congruent triangles are also congruent. So we can write therefore AO is equal to CO and BO is equal to DO by CPCT. That is what we have to prove. यही हम लोगों को प्रूव करना था. सो हेंस टू द नेक्स्ट थ्योरम, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. ABCD क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स AO एंड CO दे आर इक्वल, BO एंड DO they are equal. We have to prove that it is a parallelogram. So we start the proof. We'll take these two triangles. In triangle AOB and triangle COD, yes, AO equal to CO, BO equal to DO,
these are given. Then this angle is equal to this angle. We may give them as name as 1 and 2. Angle 1 equals angle 2. Why? They form a pair of vertically opposite angles. So I am writing vertically opposite angles. So you can say that these two triangles are congruent by which rule. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. What is the rule? Side angle, side angle, side means by SAS congruency. These two triangles are congruent. When these two triangles are congruent by CPCT, I am again giving this angle and this angle as name 3 and 4. Therefore, angle 3 equal to angle 4 by CPCT. We can write it as by CPCT, but they form a pair of alternate interior angle. अगर alternate interior angle, ये दोनों alternate interior angle form कर रहे हैं, अगर ये दोनों angle equal होंगे, तो क्या होगा? तो जब alternate interior angle equal होंगे, it means that AB and CD will be parallel, angle 3 and angle 4, क्योंकि alternate interior angle form कर रहे हैं, so we may write, but these form a pair of alternate interior angles implies that AB will be parallel to CD. AB will be parallel to CD. Similarly, अब इसी तरीके से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो गए. इसी तरीके से अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो इसमें भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम सीपीसीटी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं. तो वी कैन राइट सिमिलरली बीसी विल बी पैरेलल टू एडी. अब जब दो अपोजिट पेयर हमारे पैरेलल हो जाएंगे तो यही हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. क्या? जब अपोजिट पेयर्स हमारे पैरेलल हैं तो एबीसीडी विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम. इंप्लाइज दैट एबीसीडी फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम. यही हमको प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. डन. द नेक्स्ट थ्योरम, a quadrilateral is a parallelogram if a pair, one pair only, a pair of opposite sides are equal and parallel. So we are given that ABCD is a quadrilateral and one pair AB is given as parallel to CD and AB is given as equal to CD. So it is equal as well as parallel. What we have to prove? We have to prove that ABCD is a parallelogram. So we will do the construction. Simple construction. We will join AC. Join AC. AC को हमने join कर दिया. Now we will take these two triangles. Let us take these two triangles. Proof. In triangle A B, C and triangle C, D, A. ये triangle और ये triangle. Very first thing, AB is equal to CD. क्यों? ये दोनों equal है. Given. Now, ये दोनों parallel भी हैं. तो इसको अगर हम नाम देते हैं angle 1, इसको हम नाम दे सकते हैं एंगल 2. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. व्हाई? बिकॉज़ एबी इज पैरेलल टू सीडी एंड दे फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो एज 1 एंड 2 बिकॉज़ एबी इज
parallel to CD and they form pair of alternate interior angles ये साइड इसके बराबर ये एंगल एंगल टू के बराबर थर्ड थिंग एसी इक्वल टू एसी वाई दिस इज कॉमन देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीए कौन सा रूल लग रहा है दोनों में साइड देन एंगल देन साइड हेयर अगेन दिस इज साइड दिस इज एंगल दिस इज साइड मीन्स साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी सो व्हेन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट therefore we can say by CPCT that BC will be equal to AD therefore BC will be equal to AD reason CPCT now AB is also equal to CD but AB is equal to CD this is given means we have two pair of opposite sides as equal Therefore, by theorem, we can say ABCD forms a parallelogram. Yes, यही हम लोगों को prove करना था. Done.